तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान क्या है। यानी कि ये प्रश्न हम लोग से जानना चाहता है कि ये जो पशुपालन है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो ये जो पशुपालन है, पशुपालन के प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कहाँ मिले हैं। तो इसका उत्तर होगा आदमगढ़। अब ये जानना है कि आदमगढ़ है कहाँ। तो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश के विषय में ये समझिए कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है। दूसरा कि मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और अगर और भी आगे जानना चाहें तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व यदि कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि पाषाण काल में जब लोग रहा करते थे तो उनके बहुत सारे वस्तुओं को खोज निकाला गया है, उसमें से एक है हड्डी। तो हड्डी का उपकरण ऐसा कौन सा साइट है जहां पे मिला है। तो वो जगह है महदहा और सराय नाहर राय। यदि कुछ लोग जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें से कोई उत्तर प्रदेश के होंगे तो यदि वो लोग जानते हैं कि सराय नाहर राय कहाँ है और महदहा कहाँ है तो उन्हें ये भी पता होगा कि ये दोनों किस जिले में है। ठीक है, तो प्रश्न पे एक बार फिर से आते हैं, देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न हड्डी के उपकरण भारत में कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो इस प्रश्न में दो जगह है, सराय नाहर राय और दूसरा है महदहा। ये दोनों एक जिला है उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में तीन इंपॉर्टेंट साइट है, एक सराय नाहर राय, दूसरा महदहा और तीसरा है दमदमा। ये तीन ऐसे साइट हैं, तीन ऐसे पाषाणकालीन साइट हैं या मध्य पाषाणकालीन साइट हैं जो प्रतापगढ़ में है। और इससे बहुत सारे प्रश्न अगर आप देखिएगा तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तीनों मध्य पाषाणकालीन साइट है जो प्रतापगढ़ जिले में है, और ये प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है। यदि बहुत लोग जो इलाहाबाद गए हैं, जो प्रयागराज गए हैं, प्रयागराज का ये पड़ोसी जिला है। ठीक है, अब प्रतापगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो प्रतापगढ़ से एक चर्चित चेहरा है उत्तर प्रदेश का जो अभी चुनाव में लड़ रहा है, उनका नाम है राजा भैया। ये उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है जिसका रिजल्ट मार्च में आएगा। तो ये जो राजा भैया का जो सीट है यही प्रतापगढ़ है। अब ये प्रश्न जो है ये बहुत लोग जानते हैं कि राजा भैया जो है वो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन क्या ये पता है हम लोग को कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हरिवंश राय बच्चन भी थे। उनका जो जन्म हुआ था वो प्रतापगढ़ में हुआ था, और हालांकि वो मूल रूप से इलाहाबाद के रहने वाले थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, हट्टी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यानी कि मध्य पाषाण काल में लोग आभूषण का उपयोग करते थे, जैसे हम लोग भी आज हीरे सोने चांदी के आभूषण का उपयोग करते थे, लेकिन एक वो भी समय था जब मनुष्य आभूषण का तो उपयोग करता था लेकिन उन आभूषणों में हड्डी का आभूषण वो लोग ज्यादा उपयोग करता था। ऐसा नहीं है कि आज हड्डी के आभूषण का उपयोग नहीं होता है। यदि आप देखिएगा तो जो आदिवासी बहुल लोग हैं वो लोग भी हड्डी के उपकरणों का, हड्डी के आभूषणों का उपयोग करते हैं। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं
जो हाथी के दांत की चूड़ियां आज भी पहनती हैं। तो ये बहुत आश्चर्य की विषय नहीं है कि मध्य पाषाण काल में हड्डी के आभूषण का उपयोग होता था। तो ये हड्डी के आभूषण का उपयोग कहां पे होता था और कहां पे ये उपकरण या ये आभूषण मिले हैं? तो इसका उत्तर सराय नाहर राय और महदहा दोनों होगा, जो पिछला प्रश्न है उससे ही यह प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से दो। ये एक बीपीएससी का ट्रेंड है, बीपीएससी ई ऑप्शन भी देता है और आपसे पूछता है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रश्न है 1992 का, कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं। तो एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं दम दमा से। ये एक मध्य पाषाण कालीन साइट है जो प्रतापगढ़ में है, पिछली बार हम लोग इसकी चर्चा किए थे। तो इसी दमदमा से तीन मानव कंकाल मिले हैं, हालांकि वहां पे 41 मानव शवदान के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा कब्र मिला जिसमें से तीन मानव को एक साथ दफनाया गया था। और ये एक इंटरेस्टिंग विषय था, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, यानी कि एग्रीकल्चर, अनाजों का उत्पादन, ऐसा कौन सा साइट है भारत में जहां पे शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हम लोगों को देखना है, स्थान कहाँ है और वो काल क्या था इतिहास में, वो कौन सा काल है जिस काल में एग्रीकल्चर मनुष्यों ने शुरू किया है। वो काल है नौ पाषाण काल, या जिसे हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। तो इसका उत्तर ए होगा। यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतिहास का एक कंसेप्ट है कि जहां पे भी जिस देश में या जिस काल में एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है उस काल को नौ पाषाण काल कहते हैं। यदि मान लिया जाए अभी तक भारत में एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुआ है तो वो काल नौ पाषाण काल नहीं होगा, लेकिन मान लिया जाए कि अभी से ही अगर भारत में एग्रीकल्चर शुरू हो जाए तो उस काल को नौ पाषाण काल कहेंगे। तो नौ पाषाण काल आज से 7000 से 9000 साल पहले था, लेकिन क्या अगर नौ पाषाण काल 7000 से 9000 साल पहले था तो पूरे भारत में आज नौ पाषाण काल आ गया है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यदि आप अंडमान निकोबार जाते हैं तो वहां पे कुछ जनजाति आज भी रहती है, जिसमें से एक जनजाति है सेंटिनल। वो जनजाति आज भी शिकार पे ही निर्भर है, ना उन्हें पशुपालन करने आता है ना उन्हें एग्रीकल्चर करने आता है। तो इस आधार पे वो लोग अभी केवल और केवल उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो शिकार पे निर्भर है। तो उनका जो काल है नौ पाषाण काल में नहीं आया है। तो यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक इतिहास में एग्रीकल्चर शुरू नहीं होता है तब तक उस काल को नौ पाषाण काल नहीं कहा जाता है, और जैसे ही एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है मनुष्य अपने मदद से अनाज का उत्पादन करने लगता है तो उस काल को नौ पाषाण काल कहते हैं। और ये नौ पाषाण काल जो है अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है, यानी कि जो खोज हुए थे, जो उत्खनन हुए थे, तो उसमें ये देखा गया कि वैसा कौन सा साइट है या वैसा कौन सा स्थान है
जहां पे मानव के अवशेष सबसे पहले मिले, तो ऑप्शन में आप लोग देखिए और इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी घाटी। ये नर्मदा नदी घाटी है, यहीं पे सबसे पहले 1982 में आदि मानव के अवशेष सबसे पहले मिले थे। यानी कि ये पता चला कि नर्मदा घाटी वो एक ऐसा जगह है जहां पे आदि मानव सबसे पहले रहना प्रारंभ किए। इस अनुसार ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अब बात यहाँ पे आई है नर्मदा घाटी की और नर्मदा नदी की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत में अधिकांश नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दो नदियां हैं, एक है नर्मदा और दूसरा आप कमेंट में सोच के बताइए वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ये नदी नर्मदा अरब सागर में जाके गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी के संबंध में एक फैक्ट और जानते हैं, ये नदी इस तरह से बहती है और एक पहाड़ है अमरकंटक, इसी अमरकंटक पहाड़ से ये नदी निकलती है और उसी जगह से एक और नदी है, जैसे मान लीजिए ये अमरकंटक चोटी है, ये चोटी है अमरकंटक चोटी है, तो यहां से ऐसे नर्मदा नदी निकल गई और इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सोन, ये है सोन रिवर। दोनों एक ही जगह से निकलती है, एक अरब सागर में गिरती है और एक नदी जो सोन है वो बिहार में गंगा नदी में आके पटना जिले के मनेर में गंगा में आके मिल जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर नर्मदा नदी होगा। इसमें कुछ और भी ऑप्शन है, यदि आप जानना चाहें कि नीलगिरी पहाड़ कहां है तो ये है तमिलनाडु में। शिवालिक पहाड़ ये क्या है, शिवालिक पहाड़ जो है हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर है, यानी कि हिमालय जो चार भागों में बटा हुआ है, जो सबसे दक्षिणी भाग है हिमालय का वही भाग है शिवालिक पहाड़, ठीक है। नल्ला माला पहाड़ी तमिलनाडु में है। अब जैसे कि इधर आप एक मूवी देखे होंगे, या जो बहुत चर्चित मूवी है पुष्पा मूवी, उसमें एक पहाड़ का जिक्र है, उस पहाड़ का नाम है शेषाचलम। तो उसमें उसका जो एक्टर है अर्जुन वो बोलता है कि शेषाचलम के पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियां मिलती हैं। वो कहता है कि केवल और केवल शेषाचलम के पहाड़ियों में ही ये लाल सोना पाया जाता है। तो ये शेषाचलम की जो पहाड़ है वो आंध्र प्रदेश में है। यदि हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं या हम लोग कहीं जा रहे हैं तो उससे भी हम लोग अपने काम की चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो उसका उत्तर होगा जौ, जिसको हम लोग बार्ली बोलते हैं। बच्चे लोग जो हॉर्लिक्स पीते हैं उसका वो जो हॉर्लिक्स है वो बनता है बार्ली से ही, और ये बहुत ही प्रोटीनस डाइट माना जाता है। तो पूरे दुनिया में जो सबसे पहले जिस अनाज का उत्पादन मनुष्य ने किया है वो है जौ। इस जौ का उत्पादन सबसे पहले ईरान में किया गया और वहीं से धीरे धीरे भारत में ये जौ का उत्पादन, भारत में आज से 7,000 से 9,000 साल पहले किया गया। तो मनुष्य ने जिस अनाज का उत्पादन सबसे पहले किया है उस अनाज का नाम है जौ, ठीक है।
तो उत्तर होगा सी। साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लिया जाए कि आज से 7000 BC में जौ का उत्पादन मनुष्य ने किया था भारतीय उपमहाद्वीप में, इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो जौ है पहले धरती पे नहीं पाई जाती थी या ये जो जौ है भारत में नहीं पाई जाती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य के द्वारा उत्पादित, पहले हम लोग जो भी अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं या जौ खाते हैं, वो पहले या प्रारंभिक काल में जंगली पौधे के रूप में विद्यमान थे। मनुष्य को ये पता नहीं था कि इसका उत्पादन कैसे किया जाएगा, लेकिन जब मनुष्य को पता चला कि इसके बीज से ये उत्पादन हो सकता है, तब मनुष्य ने सबसे पहले जिस अनाज का पूरे धरती पे उत्पादन किया है उस अनाज का नाम है जौ, और जौ का ही उत्पादन भारत में भी सबसे पहले किया गया, सबसे पहले जौ का, उसके बाद किया गया है गेहूं का, उसके बाद किया गया है चावल का। ठीक है, तो इस क्लास का जो अंतिम प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर देखना है ए होगा या बी होगा या इनमें से कौन होगा। देखिए ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एग्रीकल्चर सबसे पहले कहां से शुरू हुआ। तो यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी में इसका उत्तर होगा मेहरगढ़, क्योंकि अभी तक के जो भी एनसीईआरटी है वो ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी हो या टेक्स्ट बुक हो, उसमें अभी भी ये दर्ज है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मेहरगढ़ कृषि का उत्पादन, कृषि की शुरुआत की गई। लेकिन इधर 7-8 साल पहले एक बार यूपी में एग्जाम हुआ, यूपी पीसीएस में एग्जाम हुआ और उसमें उत्तर दिया गया इस लहुरा देव को। उत्तर प्रदेश बोर्ड का यह मानना है कि जो एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से हुई है। तो यदि इसमें अगर सेम साइड देखा जाए, तो यदि हम लोग यूपी में एग्जाम देने जाए तो उसका उत्तर हम लोग लहुरा देव दे, और उसके अलावा जो भी परीक्षा है उसमें अभी भी उत्तर मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है, अब ये देखना है हम लोग को कि मेहरगढ़ है कहां। अब पहले अगर थोड़ा सा हम लोग इमेज करें पाकिस्तान का, अभी हम लोग को क्लास की जो शुरुआत हुई है, इस क्लास के माध्यम से हम लोग कोशिश करें कि प्रत्येक प्रश्न को मानचित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बच्चों को बताया जाए। तो अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग इस फील्ड में भी काम करेंगे। तो ये जो मेहरगढ़ है, अगर आप पाकिस्तान के मैप को देखिएगा तो यहाँ पे हमारा गुजरात है और यहाँ पे हमारा राजस्थान, ये कच्छ का रण है और यही कच्छ का रण बलूचिस्तान के आसपास खत्म होता है। तो यहां पे है बलूचिस्तान, यहां पे है पंजाब, यहां पे है खैबर पख्तूनख्वा और यहां पे है हम लोग का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे ये लोग आजाद कश्मीर कहा करते हैं। एक है सिंध, यहां पे है, जैसे कि ये पाकिस्तान का मानचित्र हुआ तो यहां पे सिंध है, यहां पे बलूचिस्तान है, यहां पे खैबर पख्तूनख्वा है, यहां पे पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब जिसे हम लोग पश्चिमी पंजाब भी बोलते हैं, और ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे ये एरिया हम लोग के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और उनके लिए आजाद कश्मीर है। अगर हम लोग सिंध प्रांत को देखें तो इसकी राजधानी कराची है, बलूचिस्तान
को देखें तो इसकी राजधानी क्वेटा है, खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर है, और अब पंजाब की जो राजधानी है वो लाहौर है, जो हमारे भारत से काफी नजदीक है। लाहौर का कल्चर भारत से काफी मेल खाता है, और ये जो एक विवादास्पद क्षेत्र है जिसको लेके भारत और पाकिस्तान में अक्सर विवाद होता है, इसकी राजधानी आप लोग यदि चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। यानी आजाद कश्मीर की राजधानी उन लोगों ने क्या रखी है, और पाकिस्तान की राजधानी तो हम लोग जानते ही है इस्लामाबाद है। तो ये जो मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ यहां पे है, यही पे मेहरगढ़ है जो बालूचिस्तान प्रांत में है, और यहीं से सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। अब यदि हम लोग थोड़ा सा देखें इस लगुरा देव को, तो ये यूपी में एक जिला है संत कबीर नगर, जो गोरखपुर के पास है, नॉर्थ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का ये मानना है कि यहां पे सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ और उस अनाज का नाम था चावल। तो ये एक थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी प्रश्न है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, यूपी के अलावा जो भी एग्जाम होंगे उसमें आज भी उत्तर मेहरगढ़ ही होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने जो पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने एक ट्रेंड जाना है कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हम लोग जो एक इतिहास का कंप्लीट बैच लेके आए हैं, इस बैच में हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में जानेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण इतिहास का अध्ययन मानचित्रों के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से हम लोग करेंगे, और उससे संबंधित यदि कोई नदी आएगी, कोई पहाड़ आएगी, या कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे तो उसे बताने का प्रयास किया जाएगा। ये कोशिश किया जाएगा कि एक ऐसा अप्रोच डेवलप किया जाए जिसमें हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी को एक साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे मैं अपना ये एपिसोड खत्म करता हूँ। धन्यवाद।